हेलो, नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को कुछ ठंड के रिलेटेड कुछ वीडियो आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, जो ऐसे ही होते हैं एक्चुअली, बट मुझे थोड़ा सा हैं जो कुछ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए, ये जो अपराजिता है, ये वाला वाइट वाला अपराजिता है, मैं इसको थोड़ा सा सजेशन में आपसे मांग रहा हूँ कि जो भी अपराजिता का भी, अभी देखो फ्लावर तो नहीं हुआ है और इसमें फ्रूट ऑलरेडी लग चुका है और सूख भी चुका है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि कटिंग करके ऑफ कर दूँ, बिकॉज इसमें ज़्यादातर एनर्जी इसमें सोख कर रहे हैं। और बाकी सारे प्लांट के बारे में बताऊँ, पतझर और इतना भी ठंड नहीं पड़ा है, बट जो भी पौधा है उसमें थोड़ा सूखने के लिए तैयार हो गया। एक्चुअली कुछ कुछ फ्लावर भी हो रहे हैं बिकॉज डॉर्मेंट से पहले इससे होते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैंने कुछ मिर्च के प्लांट पे लगाया, देखिए उसमें गमले में, इसको मैं शिफ्ट करूँगा कहीं, तो ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और बाकी सारे मेरे जो प्लांट के वो हैं, सारे ऐसे ही है, फ्लावर आने वाले हैं एक्चुअली, ब्लड फ्लावर नहीं खिल रहे इसमें। ये गुआवा का ट्री है, ये कलम का है, मतलब उसके वेरिकेटेड है और वो है। तो मैंने ऑर्किड पे भी लगाया था, ऑर्किड इस पर देखिए, ये मैंने अमेजोन से, सॉरी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, बहुत गंदा रिजल्ट आया इसमें। और बाकी सारे प्लांट पे अभी तक पतझड़ स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ठीक है, ओके, थैंक गॉड कि थोड़ा सा पत्ते दिख रहे हैं एक्चुअली, बट सर्दी के टाइम पे क्या होता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो आज की टिप सही है कि अगर आपके जो भी पौधा है अगर पत्ते झड़ रहे हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वापस आएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए बीच बीच में। और बाकी सारे हेल्दी प्लांट जो हैं वो आफ्टर विंटर फिर ग्रो होने लगेंगे, ऐसे ही होते हैं साइकिल इन लोगों के। तो देख लीजिए, आज की वीडियो इतना तक ही, थैंक यू सो मच।